नमस्कार दोस्तों, टेक इंटर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनुप। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो एक थोड़ा खास है सभी घर के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक टॉर्च पड़ी हुई है। ये जो टॉर्च है ये 24 एनर्जी कंपनी की ओर से आता है। ये वाला टॉर्च सबके घर में अवेलेबल होगा अभी इस टाइम पे। लेकिन आज हम इस टॉर्च का अनबॉक्सिंग भी करेंगे, रिव्यू भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इसका जो एक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इस टॉर्च को पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। तो कर लिया हमने इसका अनबॉक्सिंग। ज्यादा कुछ तो है नहीं इसके पास, चार्जर है, एक टॉर्च है, बस यही कुछ है। और ये है इसका कुछ स्पेसिफिकेशन की इसके अंदर एक 4.2 वोल्ट का एक एडाप्टर मिलता है, 1000 mAh का बैटरी मिलता है, 12 वाट का ये वाला लेजर लाइट है, और ये 7 SMD वाला जो इमरजेंसी लाइट है ये वाला है ना। तो यही कुछ है। ये है इसका चार्जर। जैसे कि आप सबको पता है ये वाला टॉर्च तो बहुत बढ़िया है, बहुत लंबा टाइम तक चलता है, बैटरी भी अच्छा है, बैटरी बैकअप भी अच्छा, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन इसका एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है ये वाला चार्जर। इस चार्जर के साथ क्या होता है कि ये ज्यादा चलती नहीं है, 3 महीने चलने के बाद ये चार्जर खराब हो जाता है, और फिर से हमको क्या करना पड़ता है, बाजार से एक नया चार्जर खरीदना पड़ता है। लेकिन जो नया चार्जर आप खरीदेंगे वो भी ज्यादा दिन चलता नहीं है, 2-3 महीने चलने के बाद फिर से वही चार्जर खराब हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसके साथ जो भी चार्जर है वो भी खराब हो जाता है, और बाजार से जब आप नया चार्जर खरीदते हैं ना वो भी खराब हो ही जाता है। तो इसका एक सोल्यूशन आपको चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन। तो उसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो सॉल्यूशन क्या है, ये वाला जो टॉर्च है ना, इस टॉर्च के साथ ही वो सॉल्यूशन आया है। क्या सॉल्यूशन आया है? सॉल्यूशन ये है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले क्या होता था, इस टॉर्च के साथ सिर्फ ये वाला जो पिन है, जो गोल जो पुराना वाला पिन है, यही से पाता था। लेकिन आजकल क्या होने वाला है, इस टॉर्च का ये वाला जो नया मॉडल है इसके साथ, ये देखिए यहाँ पे देखिए, आपको एक माइक्रो यूएसबी का पिन मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि दो पिन मिलता है इस चार्जर के साथ अभी। इसका क्या फायदा है और इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब क्या यूज होने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही आपका ये वाला चार्जर खराब हो जाता है, आपको क्या करना है, को एक कीपैड फोन का चार्जर ढूंढना है। कीपैड फोन का मतलब क्या है, नोकिया या फिर सैमसंग का जो कीपैड फोन आता है ना, उसका चार्जर जिसका वोल्टेज इसके वोल्टेज के बराबर है, जिसका वोल्टेज क्या होगा, 4.2 वोल्ट आउटपुट और 0.5 एम्पीयर का आउटपुट, जो जैसे जो चार्जर देता है ऐसा एक आपको चार्जर ढूंढ लेना है। ऐसा चार्जर आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? मिलेगा आपको किसी भी एक ब्रांडेड का जो कीपैड फोन का जो चार्जर होता है ना उसके साथ मिलेगा। तो ये मेरे पास, ये देखिए मेरे पास नोकिया का एक चार्जर है, नोकिया का चार्जर है जिसका आउटपुट और इसका आउटपुट बिल्कुल सेम है। आउटपुट कितना होगा, 4.2 वोल्ट 0.5 एम्पीयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पिन है ये माइक्रो यूएसबी है, देखो आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसका ऐसे लगाना है और बस पावर केबल में जोड़ देना है, और ये देखिए ये चार्ज होने लगा है। तो अब इसका क्या फायदा, इसका फायदा यही है कि ये जो चार्जर ये कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी का चार्जर ये थोड़ी ना इतना आसानी से खराब होगा। और ये चार्जर खराब ना होने की वजह से ये लाइट भी बहुत लंबे समय से तक आप यूज कर सकते हैं। इसका एक और फायदा है, आप एक बढ़िया क्वालिटी की चार्जर से आप चार्ज कर रहे हैं तो इसका जो बैटरी है ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। तो अभी आप सोच रहे हैं कि मेरे पास जो चार्जर है उसमें तो ये वाला पिन नहीं है, तो हाँ ये वाला पिन अभी आपके पास शायद नहीं होगा, लेकिन मार्केट में ये वाला पिन का जो चार्जर है ये अवेलेबल ऑलरेडी हो चुका है। ये आपको मिलेगा 150 से 180 रुपये के बीच में, आपको ये चार्जर मिल जाएगा ये नया पिन के साथ जो आने लगा है। और मैंने इसको अलग 120 रुपये में खरीदा है, क्योंकि इसका जो रिटेलर है वो मेरा दोस्त है, तो वो तो मुझे कम में मिल गया। अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है तो आपको कम दम में मिल जाएगा। हाँ, ये वाला टॉर्च ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन उसमें ऑनलाइन से खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ऑनलाइन में इसका प्राइस लगभग 220 रुपये के आसपास है, तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो आप देखिए मार्केट में शायद आपको मिल जाएगा ये वाला टॉर्च स्क्रीन के साथ। अगर आपको मिल जाता है तो मिलने के बाद आप ये वाला चार्जर को पूरा फेंक दीजिए, इसकी यूज करने कोई बात ही नहीं है, इसको फेंक दीजिए। आपको बस ढूंढना है एक
कीपैड का चार्जर, बढ़िया क्वालिटी का चार्जर, और इसको ऐसे चार्ज करना है, जिससे क्या होगा कि ये बहुत लंबे समय तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका पावर भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही होगा लंबे समय तक ये लॉन्ग लास्टिंग थे। जिन लोगों को पता नहीं कि वाला टॉर्च मार्केट में कैसे मिलेगा, तो मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि आप एक काम करना, मेरे वीडियो से ये जो वीडियो है इस पर एक स्क्रीनशॉट ले लेना और मार्केट में दिखा देना, आपको मिल जाएगा ये वाला टॉर्च, ठीक है। तो आज का वीडियो यही तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो वाला ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको आगे भी ऐसे घर के जो भी सामान है उसका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लेके आता रहता हूँ, आ सकूँ, ठीक है। तो यही तक था आज का वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।